दोस्तों, आगामी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ियों के दल का ऐलान हो चुका है। जैसा माना जा रहा था, एकदम वैसी ही टीम विश्व कप के लिए खेल प्रेमियों को देखने को भी मिली। हालांकि टीम में अंबाती रायडू और युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत के नाम शामिल नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने लोकेश राहुल, दिनेश कार्तिक और विजय शंकर को टीम में स्थान दिया है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के 15 नाम सामने आने के बाद अब कई सारे वो नाम भी फैंस की निगाहों में आ गए जो अब कभी भी देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के उन बड़े सितारों के बारे में बताएंगे जो अब कभी भी देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और इस बात को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। चेतेश्वर पुजारा वाकई में एक अव्वल दर्जे के टेस्ट खिलाड़ी हैं। पिछले साल चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड की सरजमी पर लिस्ट ए क्रिकेट में काफ़ी सारे रन बनाए। काफ़ी सारे भारतीय फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को यह लगने लगा था कि आगामी विश्व कप में चेतेश्वर पुजारा नंबर 4 के बल्लेबाज की भूमिका को भी अदा कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुना। इसके साथ ही पुजारा के वर्ल्ड कप में खेलने का सपना भी मात्र एक सपना ही बनकर रह गया। टीम इंडिया के लिए 5 एक दिवसीय मैच खेल चुके 31 वर्षीय चेतेश्वर पुजारा अब शायद ही भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। सुरेश रैना। सुरेश रैना भी अब शायद ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे विश्व कप में खेलते हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय में सुरेश रैना की आयु 32 वर्ष है। अगला वर्ल्ड कप साल 2023 में खेला जाएगा। अगर सुरेश रैना को वह वर्ल्ड कप खेलना है तो अपनी फिटनेस पर लगातार काम करते रहना होगा और घरेलू स्तर पर रन भी बनाने होंगे। सुरेश रैना एक लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पिछले 3 सालों में सुरेश रैना ने टीम इंडिया के लिए मात्र 3 ही एक दिवसीय मुकाबले खेले। यही एक मुख्य कारण भी है कि विश्व कप की टीम में उनको कोई स्थान नहीं मिला। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2011 और 2015 का एक दिवसीय विश्व कप खेल चुके हैं। हरभजन सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले हरभजन सिंह ने देश के लिए 2003, 2007 और 2011 के विश्व कप खेले हैं, मगर अब शायद ही दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आने वाले समय में विश्व कप खेलते हुए नजर आए। 38 वर्षीय अनुभवी हरभजन सिंह के अब साल 2023 के एक दिवसीय विश्व कप में खेलने के अवसर भी बहुत कम हैं और टीम इंडिया के युवा स्पिन गेंदबाज भी लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है कि साल 2023 के विश्व कप से पहले ही हरभजन सिंह अपने संन्यास का ऐलान भी कर दें। युवराज सिंह। वैसे तो युवराज सिंह का नाम सामने आते ही कई सारे पल जीवित हो उठते हैं, लेकिन साल 2011 के एक दिवसीय विश्व कप को खेल प्रेमी चाहकर भी नहीं भूल सकते। वह युवराज सिंह ही थे जिनके चलते टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 28 साल के एक लंबे इंतजार के बाद देश को विश्व कप जिताया था। 2011 के विश्व कप में युवराज सिंह ने अपने हरफन मोला खेल से सभी का दिल जीत लिया था और उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। आगामी विश्व कप की टीम में युवराज सिंह को चयनकर्ताओं ने टीम में कोई स्थान नहीं दिया और अब शायद ही युवी टीम इंडिया के लिए कभी विश्व कप खेलते हुए दिखाई दें। रविचंद्रन अश्विन। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2 वनडे वर्ल्ड कप 2011 और 2015 खेल चुके आर अश्विन एक लंबे समय से टीम इंडिया की एक दिवसीय टीम से बाहर चल रहे हैं। साल 2017 के वेस्टइंडीज दौरे के बाद से रविचंद्रन अश्विन को आराम का नाम देकर वनडे टीम से निकाला गया था और आज तक उनकी वापसी इस प्रारूप में नहीं हो सकी। आगामी विश्व कप की टीम में भी उनको मौका नहीं दिया गया और अब इनसे यह बात भी लगभग साफ हो गई है कि अब शायद ही आर अश्विन एक बार फिर से देश के लिए वनडे विश्व कप खेलते हुए दिखाई देंगे। कहने को अश्विन अभी सिर्फ 32 वर्ष के ही हैं, लेकिन मौजूदा समय में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और टीम घरेलू स्तर पर युवा स्पिन गेंदबाज लगातार टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में अश्विन के साल 2023 के वनडे विश्व कप में खेलने के चांस बेहद ही कम नजर आ रहे हैं।